हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग माफ़ी चाहता हूं इतनी रात आपको जगाने के लिए है ना ग्यारह बजे का टाइम सर ना सोते हो ना सोने देते हो आप तो निशाचर प्रवृत्ति के हो ही रखे हो हमें भी बना रहे हो पर मैं बता दूं मैं निशाचर भी हूं और मैं उल्लू प्रजाति का भी ना उल्लू प्रवृत्ति का भी हूँ सॉरी निशाचर यानी कि उल्लू प्रजाति का भी हूँ और मैं कुकड़ू को कु, मुर्गा प्रजाति का भी हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है दोनों एक ही बात है बाकी आप कैसे हैं ये आप पे निर्भर करता है चलिए एक बार फटाफट से आ जाइए दोस्तों बात करते हैं क्लास की बात करते हैं दोस्तों टॉपिक की टॉपिक की बात भी करेंगे बात कुछ और भी करेंगे है ना बातें कुछ और भी करेंगे क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारे टाइम पे पढ़ाई की बातें हो सर पढ़ाई की बातें कर कर के आपने पका दिया दिमाग खराब कर दिया मैं मानता हूँ पर अभी तो आज ही तो क्लास हुई है यार आज से पहले तो तीन दिन से क्लास ही चार पाँच दिन पिछले एक हफ्ते से क्लास नहीं हो पा रही थी तो कैसे पक गए आप है ना वंदना भी ये कह रही है कि मैं पक गई सर क्लास ले लेके ऐसा थोड़ी ना होता है वंदना राहुल सरोज गुड इवनिंग यार गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग ये क्लास थर्टी मिनट्स बाद थी ना नहीं नहीं किसने कहा थर्टी मिनट बाद थी ग्यारह बजे तो क्लास थी है आई थिंक दिस क्लास इज ऑन थर्टी ना इलेवन थर्टी क्लास थी इलेवन थर्टी सॉरी इलेवन ग्यारह बजे थी मैंने ग्यारह बजे स्टार्ट कर दी ग्यारह बजे ही तो थी क्लास सो गए थे शायद खुशबू आप भी है ना <laughs> चलो कोई बात नहीं तो पहले तो यार मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस सभी को मतलब पूजा वूजा हो गई सभी की है ना सभी अपने घर पे बढ़िया पूजा कर रहे हो मैं नहीं कर पा रहा क्यों मैं तो यहाँ खड़ा हूं आपके साथ कैसे करूँगा लेकिन ऑफ फुली मैं शायद कल नहीं रहूंगा कल मैं शायद आपके पास आद ना रहूं कल और परसों सो दो दिन में भी ना रहें बट मे भी है कल हो सकता है कल की क्लासेस तो मैं आपके साथ में करूँ शायद परसों से अपनी क्लासेस जो है वो थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लगे क्योंकि यार होली है थोड़े बहुत मानवाधिकार मेरे भी हैं <laughs> चलो बाकी बहुत सॉलिड प्लान है आपके लिए आप दिवाली से आओ बहुत सॉलिड प्लान है बहुत जबरदस्त प्लान है अपने पास और सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं एंड ये एक छोटा सा तुच्छ सा टॉपिक आपके पास मतलब इतना छोटा टॉपिक है कि देखते ही समझ जाओगे आप आपको समझाने तक की जरूरत नहीं है ये टॉपिक दोस्तों कल करना तो था कल मुझे कल ये टॉपिक रेडी था मेरे पास बट कल आपको जानते ही हो क्या हाल हुआ था शाम में इंटरनेट क्लास में बीच में ही बंद हो गया था आज मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेट की पूजा कर लेता हूँ एक बार तो क्या आज इंटरनेट पूरे दिन मेरा सही चला है ठीक है सो so, आज स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर भी चेंज किया है और भी मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ दोस्तों स्टूडियो के अंदर ताकि कोशिश ये रहेगी कि ऐसी प्रॉब्लम फिर से ना आए है, है ना तो दिवाली के बाद आओ दिवाली के बाद एक बहुत पैक परफॉर्मेंस है आपके लिए मतलब जबरदस्त एडुटेनमेंट रहेगी एडुटेनमेंट मतलब एजुकेशन के साथ साथ आपका एंटरटेनमेंट कंप्लीट एक बहुत तगड़ी प्लानिंग की है मैंने और पंकज सर ने साथ में मिल तो मतलब दिवाली के बाद में आप मतलब एक एक दिन क्लास के लिए ऐसे वेट करोगे है ना जबरदस्त क्लास होगी और बहुत कुछ प्लान किया दोस्तों बहुत सारे मोटिवेशनल सेशन बहुत सारे रियल लाइफ जर्नी आपको है ना एक सर का एक शो आएगा द एनालिटिक्स करके नया शो है सर का सो वो भी हम लेके आएंगे तो नंबर ऑफ डिसीजन हमने लिए हैं तो बातचीत हो रही थी तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम आपके लिए लेके आ रहे हैं सो मतलब एक धमाका है बड़ा तो मैं यूं कह दूं कि गुरुकुल 2.0 है तो गलत बात नहीं होगी चलिए तो पहले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों गूगल वर्सेज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ये क्या है दोस्तों मैं बता देता हूं गूगल आजकल लगातार विवाद में है चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो यूके में हो चाहे फिर यूएसए में हो लगातार गूगल को हमने विवाद में सुना था कुछ दिन पहले अगर मैं बात करूं तो गूगल जो था सेम इसी प्रकार से विवाद में था कहां पर सेम इसी प्रकार से विवाद था यूएसए के अंदर और अब ये विवाद में कहां पर है दोस्तों भारत के अंदर इंडिया के अंदर ऐसा क्यों देखो गूगल जो है वो मार्केट में एक डोमिनेंट सर्च इंजन है आप कुछ भी चीज करते हो तो आजकल आप ये नहीं बोलते कि सर्च कर लो आप क्या करते हो आप कहते हो गूगल कर ले है ना ऐसा बोलते हो ना ऐसा क्यों बोलते हो क्योंकि गूगल जो है उसकी अपने आप में मार्केट में एक डोमिनेंट पोजीशन बन गई है एक ब्रांड नेम है दोस्तों आज सब कुछ मतलब आप सर्च कुछ भी करना हो तो गूगल से होता है है ना आपके मतलब आप डैश वो लेते हो लैपटॉप लेते हो तो या मोबाइल लेते हो तो मोबाइल के अंदर तक तो आजकल ऐप इनबिल्ट आने ही लगी गूगल ऐप मतलब स्टोर्ड है बाय डिफॉल्ट स्टोर ही रहेगी वो ठीक है अगर आपके पास एंड्रॉइड वर्जन है तो इनबिल्ट ऐप आएगी गूगल उसको आप डिलीट ही नहीं कर सकते तो कुछ दिन पहले इसी वजह से कॉन्ट्रोवर्सी में भी था यूएस में अब भारत में भी इसने क्या कबाड़ा कर दिया जिसकी वजह से कॉन्ट्रोवर्सी में मैं बता देता हूं दोस्तों जो बच्चे जो भी आप भी बहुत सारे फोन यूज करते होंगे आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो एंड्रॉइड जो फोन यूज करते हैं ना उसके अंदर होता है प्ले स्टोर है ना होता है अब प्ले स्टोर के अंदर जब भी आप कोई इंस्टॉल करते हो तो आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है पहली बात जब भी कोई करते हो बाकी Android के अंदर ज़्यादातर ऐप फ्री है साथ ही साथ में जब दूसरा एक काम क्या होता है कई ऐप होती है जिसमें इन ऐप परचेज होता है इन ऐप परचेज जैसा आपके सब्सक्रिप्शन में है। मतलब ऐप तो आप परचेज कर लो लेकिन जब आप ऐप के अंदर जाओगे तो आपको

उसके लिए पेमेंट गूगल पे से करना कंपलसरी होगा गूगल प्ले पे आपको कुछ भी खरीदना हो आपको जो आपका प्ले स्टोर है उससे कुछ भी खरीदना हो गूगल प्ले से तो आप जब भी यहां से कुछ भी खरीदेंगे सो इट्स कंपलसरी फॉर यू कि आप क्या करेंगे आप गूगल पे से ही पेमेंट करेंगे तो गूगल पे गूगल के द्वारा एक पेमेंट सॉल्यूशन है पेमेंट सॉल्यूशन है जो इसने गूगल लॉन्च किया हुआ है तो इनडायरेक्टली गलत तरीके से अपनी पोजीशन का फायदा उठा के गूगल उसको क्या कर रहा है दोस्तों प्रमोट कर रहा है जबकि अदर जो यूपीआई बेस्ड पेमेंट इंटरफेस है उनको वो प्रमोट नहीं कर रहा एक दिक्कत दूसरी बात क्या है दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्मार्ट, जो स्मार्ट हैं आजकल एंड्रॉयड में आ रहे हैं तो वो चाहते हैं अपने अपने टीवी को मतलब अपडेट करना अपने वर्जन को अपडेट करना ठीक है या उसमें कुछ मॉडिफाई करना लेकिन गूगल उसमें भी टांग अड़ा रहा है क्योंकि एंड्रॉयड उसका जो वर्जन है तो उसके अंदर में भी वो क्या कर रहा है दोस्तों गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबैट

भारत के अंदर में कंपटीशन एक्ट जो है वो पास हो रखा है आपको पता होगा भारत के अंदर पहले एक एक्ट था एमआरटीपी एक्ट जिसको बदल के एक कमेटी की सिफारिश पे हमने क्या कर दिया कंपटीशन कमीशन एक्ट का नाम दे दिया तो दोनों ही चीजों के बारे में हम यहां पर बात करेंगे सो द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई हैज इनिशिएटेड अ प्रोब इन टू द अलीज इनटू टू द अलीज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन मतलब गूगल अपनी डोमिनेंट पोजीशन का इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों टू प्रमोट्स द कंपनी टू प्रमोट इट्स पेमेंट ऐप जिसका नाम क्या है गूगल पे अपनी कुछ भी करो गूगल पे या आप प्ले स्टोर पे, जाके, पे कुछ करते हो तो आपके पास एक ही सॉफ्टवेयर साथ में, में चलते हैं तो अभी क्या हुआ है कि जो सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है इन्होंने प्राइमा फेसिया ठीक है प्राइमा फेसिया का मतलब क्या होता है प्राइमिया का मतलब होता है कि दिख तो मुझे आप अपराधी रहे हो आप मुझे अपराधी दिख रहे हो अपराधी साबित होते हो नहीं होते वो हो बात की बात है हो सकता है आप अपराधी साबित ना भी हो तो फेसिया जो है आपका एक केस जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहां दर्ज किया है एक्टिंग ऑन एन अनोनिमस कंप्लेंट कंप्लेंट का पता नहीं है अनोनिमस कंप्लेंट है दोस्तों फरवरी के अंदर इस उन्तालीस पेज के इस प्राइमाफेसिया रिपोर्ट के अंदर में ठीक है आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि हाँ गूगल अपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है किसके लिए गूगल पे को प्रमोट कर रहा है ठीक है ऑन द टू अकाउंट्स दो जगह पे ऐसा हुआ है टू अकाउंट्स का मतलब क्या होता है बैंक अकाउंट नहीं है टू अकाउंट्स मतलब दो अलग अलग जगहों पर ऐसा देखने को मिला है और वो दो जगह कौन सी है पहली बात अच्छा ये तीसरी ऐसी एंटी ट्रस्ट प्रॉब है जो ऑर्डर की गई है ठीक है इंडियन कंपटीशन रेगुलेटर एजेंट ने अगेंस्ट द गूगल तीसरी कंप्लेंट है दोस्तों ये ठीक है पहली कौन सी थी द फर्स्ट वॉज द गूगल पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज ऑफ गूगल प्ले पेमेंट सिस्टम फॉर परचेजिंग द ऐप एंड इन ऐप परचेज जो मैंने आपको बताया प्ले स्टोर में जाकर अगर आप कोई भी ऐप या इन ऐप परचेज करते हो तो उसमें आपको गूगल बेस्ड पेमेंट सिस्टम का ही इस्तेमाल करना होगा गलत नहीं है यार ये भाई मेरी मर्जी है यार मैं कोई भी पेमेंट का इस्तेमाल करूं मैं डेबिट कार्ड करूं मैं क्रेडिट कार्ड करूं मैं भीम से करूं मैं पेटीएम से करूं मैं फोनपे से मेरे मर्जी है भाई मैं किसी से करूं ठीक है तुम कौन होते हो यार लेकिन वो आपको फोर्स करता है नहीं आपको पे करना है तो आप गूगल स्पॉन्सर्ड सिस्टम से ही उसकी पेमेंट करो दूसरा क्या था दोस्तों कि जो अदर मोबाइल वॉलेट्स हैं जो यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम है ठीक है जो मैंने आपको नाम बताया जैसे वो जो है उनका ही इस्तेमाल आप नहीं कर सकते ठीक है उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते ऑन द इफेक्टिव पेमेंट ऑप्शन इन द गूगल प्ले पेमेंट सिस्टम गूगल प्ले जो है उसके पेमेंट सिस्टम में आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते साथ साथ में कम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑल्सो क्रिटिसाइज किया गूगल की पॉलिसी की कि जब भी देखो क्या होता है ना कोई भी ऐप परचेज करते हो ना आप तो वो और प्लस में कोई इन ऐप परचेज करते हो भाई ऐप के अंदर कुछ चीज आपको खरीदनी है उसका 30 प्रतिशत कमीशन मारता है सीधा कौन गूगल तीस प्रतिशत कमीशन सीधा मांगता है कह रहा दो भाई मुझे तीस प्रतिशत कमीशन किसको दो मुझे दो कौन मांगता है गूगल मांगता है तो इसको भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया क्रिटिसाइज किया कि बहुत ज्यादा मांगते हो तुम तो। सही में बहुत ज्यादा है अब ये ज्यादा होगा तो क्या होगा भाई यूजर एंड के ऊपर अगर ये मांग रहा है जो डेवलपर होगा वो भी ज्यादा मांगेगा ना भाई उसको भी तो अपना प्रॉफिट देखना है उसको भी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है लेकिन अगर वो सस्ते दाम में दे मान के चलो ठीक है गूगल उससे तीस प्रतिशत ले रहा है लेकिन वो सोचे कि चलो ठीक है यार कम प्राइस में दे देता हूं मैं तो अगर वो कम प्राइस में देगा तो फिर उसकी जो ऐप की जो जो क्वालिटी है वो अफेक्ट होगी तो दोनों ही तरीके से मामला जो है वो गंभीर रहेगा गड़बड़ रहेगा तो सीसीआई जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बात को भी क्या किया है इस बात पर भी गूगल की जो है वो निंदा की है क्यों देखो यार जितने भी डाउनलोड्स होते हैं ना ऐप के वो लगभग लगभग प्ले स्टोर से ही होते हैं ठीक है लोग एप्पल यूज करते हैं मान ली बात लेकिन अभी भी एप्पल उपभोक्ता बहुत कम है नब्बे प्रतिशत जो तो डाउनलोड होता है ना ऐप का और इन ऐप परचेज जो होती है वो किसके द्वारा होती है वो एंड्रॉइड के द्वारा होती है वो आपका गूगल प्ले स्टोर के द्वारा ही होती है नाइनटी परसेंट की बता रहा हूं तो ऐसे में जब ये तीस प्रतिशत चार्ज करते हैं तो सोच लो कितना कमा रहे हैं यार ये लोग है ना कितना कमा रहे हैं तो ये हो क्या रहा है ये अपनी डोमिनेंट पोजिशन का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं कुछ भी नहीं है ना सो so, ये बात हमने देखी इफ द एप्लीकेशन डेवलपर रेज देयर सब्सक्रिप्शन फी मैंने बताया भाई गूगल की जो अगर जो गूगल ज्यादा पैसा ले रही अगर वो जो, जो, जो है अगर उसको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा अपना ऐप का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा लेकिन उससे फिर यार कस्टमर को दिक्कत होगी है ना सो so, दोनों तरीके से मामला जो है वो खराब है आपका समझ पा रहे हो आप ठीक है अर्लियर अक्टूबर में भी बात करूं तो गूगल ने इसी प्रकार से अपनी

प्राइम ऑफ एशिया एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी की है द प्रोब अगेंस्ट द गूगल पे कम्स अ डे आफ्टर द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपको मैं बता दू एनपीसीआई जो है एक शेड्यूलेड कंपनी इट्स नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी विच इज सेटअप बाय द आरबीआई एंड द आईबी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन जो आपको पता है ठीक है ये नॉट फॉर प्रॉफिट है इसको हम शेड्यूल एट कंपनी भी बोलते हैं ठीक है या बोलते हैं और जो होती प्रॉफिट मोटिव इनका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं है ठीक है अलाउड द राइवल फेसबुक ऑन व्हाट्सएप टू गो लाइव ऑन द यूपीआई इन द मल्टी बैंक मॉडल तो इसी दिन मतलब ये कांड भी हुआ है मतलब इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की बात हुई है साथ ही साथ में दोस्तों इसी दिन जो व्हाट्सअप है ना उसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हो आप पेमेंट कर सकते हो यूपीआई बेस्ड आप उससे भी पेमेंट कर सकते हो ठीक है तो ये दोनों सेम ही दिन पे हुए हैं गूगल इश्यूज विद अदर कंट्रीज ऐसा नहीं है इसने भारत भारत में नहीं इसने अच्छी अच्छी जगह पर कारनामे किए हुए हैं ठीक है गूगल के कारनामे अच्छी अच्छी जगह पे है चाहे आप बात कर लो दोस्तों इसका बहुत सारी जगह पे इसमें एंटी कॉम्पिटिटिव जो इसका बिहेवियर है वो चल रहा है यूरोपियन यूनियन में देख लो आप यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट में देख लो वहां पर भी इसने ऐसी डोमिनेटिंग पोजिशन का इस्तेमाल करके छोटी कंपनियों को नुकसान पहुंचाया so, इसने ऐसे ऐसे काम जो है वो किए हैं अब क्या होगा ठीक है इसने कर दिया अब प्राइमा फेसिया जो है इन्वेस्टिगेशन इसके खिलाफ केस भी फाइल हो गया अब क्या होगा अब कुछ नहीं होगा दोस्तों

गूगल कर रहा है मैं आपसे नहीं कह रहा मैं गूगल की बात कर रहा हूं गूगल ने ऐसा किया तो कंपटीशन ऑफ कमीशन ऐसा कह रहा है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक बोल रहा है कि भैया तुमने ना कंपटीशन एक्ट का जो सेक्शन फोर है ना उसका तुमने उल्लंघन किया बहुत सारे प्रावधानों का आपने क्या किया उल्लंघन किया यहां पे अब उल्लंघन किया है तो अगर आप सेक्शन फोर का वायलेशन करते हो ना तो आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेगा ठीक है आपके इन्वेस्टिगेशन होगी सेक्शन फोर ऑफ द कंपटीशन एक्ट टू द ऑफ डोमिनेंट मार्केट पोजिशन सेक्शन चार यही कहता है कि आप मार्केट में एक बड़े प्लेयर और अगर अपनी बड़े प्लेयर अपनी डोमिनेंट पोजिशन का इस्तेमाल आप करते हो दूसरों को नुकसान पहुंचाने में दूसरों को हानि पहुंचाने में तो वो गलत है ठीक है तो वो देश के कॉम्पिटिशन के लिए सही नहीं है और ऐसा करना गलत है तो आप पर कार्रवाई जो है वो की जा सकती है ठीक है तो ये हमने बात की वट नेक्स्ट के अंदर द कंपिटिशन एक्ट ये क्या है वॉट इज द कॉम्पिटिशन एक्ट क्या है तो मैंने बताया कॉम्पिटिशन एक्ट जो है दोस्तों वो पास किया गया था 2002 के अंदर और इसमें संशोधन किया गया कब 2007 में सो बेसिकली इट इन टू इन 2002 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राघवन कमेटी दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कमेटी वाली चीजें जो है वो आपसे पूछ ली जाती हैं सो so, मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों वट इज द कॉम्पिटिशन एक्ट सो इट वॉज बेसिकली स्टार्टेड पास इन टू टू 2002 में स्टार्ट किया गया था इसको एंड 2007 में इसको अमेंड किया गया इट फॉलो दिलॉसफी ऑफ मॉडर्न कॉम्पिटिशन लॉ फॉलो किसको करता है कि आधुनिक समय दोस्तों कॉम्पिटिशन का समय है कॉम्पिटिशन होना चाहिए एक कोई कंपनी बड़ी है तो दबाए ना छोटी कंपनी को है ना ऐसा होना चाहिए और पहले जो ये एक्ट था जो आज हम कंपटीशन एक्ट बोल रहे हैं पहले एमआरटीपी एक्ट था मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 एमआरटीपी एक्ट था इसको बदल के हमने कंपटीशन एक्ट किया 2002 में बाय द ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द राघवन कमेटी अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट देखो फेरा को चेंज करके हमने फेमा किया ऐसे ही एमआरटीपी को चेंज करके हमने क्या किया कंपटीशन एक्ट किया दोनों की कमेटी इंपॉर्टेंट रहेगी वो दोनों पॉलिटी की टॉपिक इकोनॉमिक्स की टॉपिक है बट दोनों की कमेटी इंपॉर्टेंट है यहां पर कौन सी होगी दोस्तों बेसिकली इट्स राघवन कमेटी है ना एक्ट प्रोहिबिट्स एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स अब ये जो कॉम्पिटिशन एक्ट है ये क्या करता है कॉम्पिटिशन एक्ट है तो क्या करेगा भाई कॉम्पिटिशन को प्रमोट करेगा और कोई भी एंटी कॉम्पिटेटिव एक्टिविटी अगर होती है तो उसको प्रोहिबिट करेगा एक्ट प्रोहिबिट एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स अब यूज ऑफ डॉमिनेंट पोजिशन बाय द एंटरप्राइजेस एंड रेगुलेशन कॉम्बिनेशन विच कॉज और लाइकली टू कॉज एन एप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन विद इन इंडिया अगर कोई भी चीज है जिससे कॉम्पिटिशन को नुकसान पहुंच रहा है कोई भी चीज है

कॉम्पैक्ट को रिप्लेस किया किससे एनक्लाट से ये भी आपको पता होगा ठीक है पता है ना इसका तो नाम सुना होगा यार इसका तो बहुत बार नाम सुना होगा आपने नहीं सुना बता दो भाई सुना है ना ठीक है चलिए सो देखो लाइक like और शेयर दो चीजों में कमी नहीं आनी चाहिए मैं मानता हूं त्योहार है आप लेकिन लाइक like वाले बटन पे उंगली जाते समय नहीं लगना चाहिए ठीक है लाइक जरूर कर दिया करो यार इसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देखो भारत के अंदर में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल क्या है हमने स्थापित कर दिया कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया किसके तहत में कंपटीशन एक्ट के तहत में अब इसका रोल क्या है चलिए बात कर लेते हैं पहली बात स्टेट्यूटरी बॉडी स्टेट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या है कि एक वैधानिक बॉडी है भाई पार्लियामेंट ने कानून पास करके बनाया जब भी स्टेट्यूटरी वर्ड समझो ना लिखा मिले ना दैट मीनस वो बॉडी कैसी है दोस्तों वो एक वैधानिक बॉडी है वैधानिक निकाय है और जो भी वैधानिक निकाय होता है ना वो किसके द्वारा तैयार किया हो गया होता है वो तैयार किया गया होता है किसके द्वारा बताओ पार्लियामेंट के द्वारा कानून पास किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट दो हजार दो थ्रू आउट इंडिया एंड प्रीवेंट एक्टिविटीजर्स इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन ठीक है

The आप प्रमोट करो कंपटीशन को प्रमोट करो उसको सस्टेन करो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर उपभोक्ताओं के इंटरेस्ट का का ध्यान रखो मतलब का ध्यान रखो रखो यार इंटरेस्ट मतलब ब्याज नहीं उनके हितों मार्केट के अंदर में फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो है उसको बढ़ावा दो है ना व्यापार की स्वतंत्रता को क्या करो बढ़ावा दो द कमीशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गिव ओपिनियन ऑन द कॉम्पिटिशन इश्यूज ऑन द रेफरेंस रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट्यूटरी अथॉरिटी एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ एंड टू अंडरटेक एडवोकेसी ठीक है लंबी सी लाइन है बट आप समझ गए मोटी मोटी बात क्या थी ठीक है मोटी मोटी बात जो है काम की वो यहां पे आप समझ चुके हो नहीं समझ चुके बताओ टॉपिक हो गया खत्म अब बात करते हैं नॉर्मल आ जाओ भाई बहुत देर होगी पढ़ाई की बातें और बताओ सब सही है खाया पिया बढ़िया से मिठाई विठाई खरीद ली है कि नहीं खरीद ली अरे मिठाई खरीद चुके हो कि नहीं आप नो नो पढ़ाई की बात यार बस बहुत हो गया <laughs> मिठाई विठाई होगी ना चलो बढ़िया पे लो खाओ बढ़िया से मिठाई हो गए ना अच्छा मिठाई खाने के बाद में दिवाली के बाद में एक्सरसाइज शुरू कर देना ठीक है जो मेरे जैसे आदमी होते हैं ना वो ऐसे डेट डिसाइड करते हैं मैं बहुत दिन से ना ऐसे एक्सरसाइज वगैरह कर नहीं रहा तो मैंने डेट डिसाइड की हुई है जैसे ही दिवाली ख़त्म होगी ना दिवाली के बाद दिवाली में तो खाऊंगा अच्छे से जो भी होना है सेहत ख़राब होनी होने दो दिवाली के बाद में बढ़िया फिटनेस पे ध्यान देना है ठीक है दिवाली के बाद में आप करोगे मेरे साथ वर्कआउट सब लोग मेहनत कराऊंगा वहाँ पर भी लाइव आया जाएगा ठीक है वहाँ पर भी आपके साथ लाइव बातचीत होगी और फिटनेस के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा मैं अपनी भी फिट करूँगा आप भी फिट करना अब समय तो निकल ही सकता है जब मैं निकालूंगा तो आप भी समय तो निकाल ही सकते हो है ना मैं इतना बिजी शेड्यूल है मेरा जब मैं इसमें से समय निकालूंगा तो समय आप भी निकाल सकते हो नहीं भाई अरे पेलो लो मीन्स खा लो यार मतलब खूब खाओ एक तो खाओ बोलो और एक इसका मतलब हो गया कि बहुत दबा के खाओ समझ रहे हो अब यार मैं कोई साठ साल का अध्यापक नहीं हूँ आपका तो इन चीज़ों की थोड़ी आदत डाल लो मतलब नेगेटिव मत लो इन चीज़ों को बट हाँ थोड़ा सा अपने आप को इनके लिए फ्लैक्सीबल रखो यार हमें पचास साल का टीचर तो वो नहीं ठीक है जो बहुत काम की बातें ही पढ़ाऊँगा एक हमारे डीन थे केमिस्ट्री पढ़ाया करते पढ़ाए अच्छा करते थे लेकिन मतलब समझ रहे हो डरते बहुत थे हम उनसे बहुत ज़्यादा डरते थे मैं पता नहीं यार कुछ कह दिया तो डरते मतलब इनफैक्ट कुछ बोलते ही नहीं थे जिंदगी में हमने वो बेल्ट वेल्ट टाई वाई लगा के नहीं गए लेकिन उनकी क्लास में बेल्ट और टाई लगा के जाया करता हालांकि उसने कभी कुछ कहा नहीं बट डर था है ना एक दूसरे टीचर थे हमारे केमिस्ट्री वाले मैंने बताया था ना बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त टीचर थे भाई साहब एकदम वो बोलते थोड़ा ऐसा ही तो, आ, बो, बो, तो कि नहीं मैंने कई बार बताया उनका उनका बोलने का अंदाज बड़ा प्यारा था तो वो एक बार सुबह सुबह आके ना बोर्ड भर दिया करते पूरा पूरा और फिर खड़े हो जाया करता है कोमियम आवाज भी ऐसी थी उनकी पेट बहुत बड़ा था उनका ऐसा ही ठीक है यू ऐसे बड़ा पेट था मतलब चौक और डस्टर जैसे मार्कर है मान लो मेरा पेट तो यहीं पे रख लूँ मैं ऐसे मतलब सेट हो जाए चौक डस्टर पूरा प्लेट अगर खाना खा रहे हो तो किसी खड़े खाने में जाए ना खड़े खाना होता है ना खड़े होके पहले क्या होता था गाँव में जिमाया करते पत्तल दिया करते ऐसे नीचे बैठ के ना बाद में खड़ा खाना स्टार्ट हुआ भाई प्लेट लो अपनी खड़े होके खाओ तो खड़े खाने में उनको प्लेट में एज ए पेट पे ही रखने की जरूरत मतलब पेट पे ही रख ले वो जब बाइक पे बैठा करते ना एक बार तो खुद बैठा करते फिर उनको दिखता था पेट तो नीचे ही रह गया फिर उसको पेट को उठा के ऐसे टंकी पे रखते थे ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा बिठा रखा हो आगे आराम से तो जबरदस्त टीचर थे लेकिन वो मजेदार थे ना? कुछ भी बोलो कोई टेंशन नहीं उनके साथ में बढ़िया मस्त एकदम कई बार तो शाम में पी के आ जाया करते हमें ट्यूशन भी वही पढ़ाया करते हॉस्टल में तो पी के आ जाया करते हो कई बार तो और जिस दिन पी के आया करते ना उस दिन और भी बढ़िया पढ़ाया करते गजब उस दिन तो मजे बांध दिया करते हैं आज हमें पता चल था आज मगर सर फॉर्म में है आज खींच रखा है सर ने काम रात बढ़िया लेकिन ज़बरदस्त टीचर थे यार अल्टीमेट मतलब हमने यार उन जैसे टीचर नहीं देखे मैं हिंदी मीडियम से था ग्यारहवीं क्लास दसवीं क्लास तक बट जब इलेवेंथ क्लास में गया था तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम थी यार इंग्लिश कैसे पढ़ूंगा बट मुझे केमिस्ट्री में कभी प्रॉब्लम नहीं इनफैक्ट ट्वेल्थ क्लास में, में मेरा हाईएस्ट स्कोर है केमिस्ट्री के अंदर और एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मुझे डर लगता था एंड क्रेडिट गोज टू हिम ठीक है क्रेडिट यार उन्हीं को जाता है कि जबरदस्त तरीके से उन्होंने मेरे को पढ़ाया था तो अगेन यार ये चीज़ें ऐसे मैं बोल देता हूँ तो इन फॉर्मल चीज़ें इनको ऐसे मत लिया करो कि सर ये क्या कह रहे हैं है ना तो वो ऐसे ही थे हमारे टीचर थे बड़े ज़बरदस्त टीचर थे अच्छा वो पढ़ाई के अलावा कुछ भी बोल दिया करते हैं वो अपने आप में मजाक हो जाया करता कुछ भी केमिस्ट्री से अलावा जिरकोनियम हीलियम लिथियम आयरन बोरोन से अलावा जब भी वो कुछ पढ़ाते थे वो एक मजाक होता था एक बार ऐसे ही वो जो डस्टर नहीं होता है बोर्ड साफ करते हैं लेकिन तो क्लास में था तो मेरे को भेज दिया कि जाओ सर की क्लास से डस्टर ले आओ मैं गया मैं कहा मैं इन सर कह रहा आ चुप हो गए खड़े हो गए वो भी होता है ना टीचर को कई बार पढ़ा पढ़ा के ऊब जाता है बेचारा तो उसका बात करने का मन करता है किससे बात करे तो मैं गया मैं, मैं कम इन सर कह रहा कमीन अब मैं देख कर डर गया मैं मतलब पेट इतना भारी है मैं मैं एक साइड लग गया तो हो गया काम खत्म ठीक है समझ रहे हो सर का पेट अगर लग गया तो एक गदा के समान था वो अपने आप में गदा समान था वो गदा होती है ना गदा हनुमान जी की तो ऐसा था मैं दूरी रहा तो मैं कहा सर डस्टर दे दो कहो अच्छा दस्तक दे दे भाई दस्तों तो एक ही की है अब मैंने दे दिया तो मैं कैसे काम करूँगा तो मतलब इस तरीके से बोले मेरे को बड़ी सी आई यार मेरे को नहीं पूरी क्लास को हंसी आई वही तो एक की है वो ये दे दूँगा तो मैं कैसे काम करूँगा तो गजे गजब थे निराले सर थे

ठीक है क्लाइमेटोलॉजी का बीस तारीख से कोर्स आ जाएगा ज्वाइन कर सकते हो कोड आपको पता है दोस्तों बार बार मैं बताने की जरूरत नहीं आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना चाहिए कि सुमित टेन खास है और बाकी जो लिखना होता है वो भी लिख सकते हो कोई टेंशन नहीं है बाकी आप समझदार हो ही है ना चलिए दोस्तों सो मेरी तरफ से कल आप छोटी दिवाली है यार दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं अच्छे रहिए मस्त रहिए और पढ़ाई को यार बर्डन मत लो कभी भी है ना बर्डन की तरह लोगे तो दिक्कत हो जाएगी खुश रहो बढ़िया हंसते खेलते रहो देखो आज मैं भी खुश हूं क्यों क्योंकि मेरी सारी क्लास आपके साथ अच्छी हुई है समझ रहे हो जब क्लास होती है तो इनफैक्ट मैं दिन से सुबह से मॉर्निंग में आठ बजे से क्लास ले रहा हूं और रात को ग्यारह बज चुके हैं और मैं सुबह चार बजे से काम कर रहा हूं बट स्टिल मैं काफी एनर्जेटिक फील कर रहा हूं क्यों क्योंकि क्लास पूरी हुई है तो मेरा लगाव जो है जुड़ाव जो आपसे वो बहुत अच्छा हो गया तो जिस दिन क्लास ना हो ना ऐसा लगता है कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा आज कम गई है चलिए दोस्तों दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन थैंक यू वेरी मच मेरी तरफ से सभी के जो पेरेंट्स हैं उनको हैप्पी दिवाली यार और हैप्पी धनतेरस सभी को प्रणाम ढेर सारा प्यार चलिए दोस्तों मिलते हैं कल तब तक के